हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, जो कि है एसेंशियल्स ऑफ अ गुड रिपोर्ट। एक रिपोर्ट जब आप तैयार करते हो तो उसके क्या क्या एसेंशियल्स होने चाहिए, क्या क्या उसके फीचर्स होने चाहिए, क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए, जिसके कारण से वो एक रिपोर्ट जो है वो अच्छा रिपोर्ट कहलाएगा, इसके बारे में हमारा ये लेक्चर है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है इसे दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। ठीक है, आप चाहें तो हमारे चैनल पे ज्वाइन वाला बटन क्लिक करके आप हमारे चैनल का एक्सक्लूसिव मेंबर बन सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पे बीकॉम वाले ऑप्शन में आना है। 119 रुपीज आपको पे करने हैं ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके, और फिर नीचे की तरफ आ करके यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का लिंक के ऊपर क्लिक करके आपको हमें हमारे एक्सक्लूसिव ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। इसको ज्वाइन करने के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला तो आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा, जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता 24/7 आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा। आपको नोट्स 40% डिस्काउंट पे मिलेंगे अगर आप नोट्स हमारे पास से खरीदना चाहते हैं। साथ ही साथ आपको असाइनमेंट्स जो है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, इसके लिए आपको 1 रुपए भी पेमेंट नहीं करने होंगे। असाइनमेंट्स आपको लिखने हैं और फिर जमा करने होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं बोलना चाहूंगा कि जब भी आप स्टडी करें तो हमारे चैनल पे जब भी आप आए, जैसे कि ये हमारा होम ऑप्शन है, आप जैसे ही होम पे आएंगे नीचे की तरफ आपको जाना है इग्नू एमकॉम न्यू, इग्नू एमकॉम ओल्ड, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना। बीकॉम न्यू में आपको जाना है, बीकॉम न्यू में जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर की सारी प्लेलिस्ट अलॉन्ग विद ऑल द वीडियोस दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, जिसको देख करके पढ़ करके सुन करके आप एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर हमारे आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा एसेंशियल्स ऑफ अ गुड रिपोर्ट। चलिए फिर देखते हैं। सो प्रिपरेशन ऑफ अ रिपोर्ट इज नॉट इजी, रिपोर्ट को तैयार करना इतना आसान नहीं होता है, इसमें एक स्पेशल स्किल्स की आवश्यकता पड़ती है। एक रिपोर्ट जो है सिर्फ एक भाषा से ऊपर होता है, कॉम्पोजिशन से ऊपर होता है, या फिर एक अच्छी पीस ऑफ राइटिंग से भी ऊपर होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी अच्छी चीज अगर लिखी हुई है तो वो बहुत एक अच्छा रिपोर्ट कहलाएगा। उसमें वर्ड्स अगर बहुत अच्छे अच्छे लिखे गए हैं, कॉमाज है, सेमी कॉलन है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक बहुत अच्छा रिपोर्ट हो गया। रिपोर्ट में एक स्पेशल स्किल की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी जो है किस बहुत ही कम लोगों के पास होती है, और वही लोग जो है अच्छे तरीके से रिपोर्ट को अपना तैयार कर पाते। So there are some common features. तो कुछ-कुछ common features होते हैं जिसके कारण से किसी भी report को हम एक उम्दा quality का report हम बोलेंगे, बहुत ही अच्छा report हम उसे बोलेंगे। तो ये एक as a communication device भी इस्तेमाल होता है report। तो एक report को effective बनाने के लिए, फिर उसको बेहतरीन बनाने के लिए क्या-क्या चीजों की आवश्यकता पड़ती है, अब हम एक-एक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, जो भी पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट अभी हम करने वाले हैं, फिर जैसे जैसे बढ़ेंगे हम उसको मैं उसको भी हाईलाइट करता चलूंगा। तो चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहला है एक्यूरेसी। सो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन रिपोर्ट्स मस्ट बी एक्यूरेट, इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन में ऑफन लैंड द मैनेजर्स इन ट्रबल, है ना। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप अपने रिपोर्ट्स में प्रोवाइड कर रहे हो वो एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आप जानकारियां एक्यूरेट नहीं डालोगे तो उसके कारण से जो मैनेजर्स होंगे उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो भी जानकारी आप अपने रिपोर्ट में डाल रहे हो वो सारी चीजें एक्यूरेट होनी चाहिए, वो बात यहाँ पे बोली गई है। एज फार एज पॉसिबल, जहां तक भी पॉसिबल हो, द रिपोर्ट मस्ट बी बेस्ड ऑन एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, है ना। जहां तक पॉसिबल हो, मतलब यहाँ पे सोचो आप कुछ कुछ चीजें यहाँ पे इमेजिनरी डाल सकते हो, पर जहां तक पॉसिबल हो भाई, ये सिर्फ बोलने के लिए कहा जा रहा है, एक्यूरेट ही डालना जब भी बनाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही बात बोली गई है कि एक्यूरेट यहाँ पे डालना है। एग्जांपल के तौर पे, इन द केस ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट गिवन इन द प्रीवियस सेक्शन, इफ द टीम गिव्स इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लेस और अवेलेबिलिटी इन द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, द कंपनी में फेस मच प्रॉब्लम इन द फ्यूचर, है ना। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया कि सपोज एक प्रोजेक्ट चल रहा है जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है आपके टीम के द्वारा वो इनएक्यूरेट है, वो सही जानकारी नहीं है, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होगी उसके बारे में जो जानकारी आपने कम बताई है या फिर गलत बताई है, उसके कारण से कंपनी को आगे जाकर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स कंपनी को फेस करने पड़ सकते हैं। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्यूरेसी। सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे है एसेंशियल्स में वो एक्यूरेसी का है, कि एक्यूरेसी के ऊपर आपको ध्यान देना है, काम आपको अच्छे तरीके से करना है। अगला है सिंप्लिसिटी। एक रिपोर्ट जितना सिंपल होगा, उसको रीड करना, उसको समझ पाना और उसके बेसिस पर डिसीजन ले पाना उतना ही आसान हो जाएगा, राइट। सो अ रिपोर्ट शुड बी सिंपल, एक रिपोर्ट को सिंपल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस वुड हेल्प इन अराइविंग एट डिसीजंस क्विकली एंड इजिली, इसके कारण से आप किसी भी अपने डिसीजन से बहुत ही जल्दी पहुंच सकते हो और बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हो, क्योंकि आप चीजों को बहुत तुरंत समझ जा रहे हो ना, क्योंकि इजी रिपोर्ट है, समझ में आ जा रहा है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, तो आप चीजों को बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से कर पाते हो, राइट। कहाँ गया कर्सर, ये रहा। So if the facts are presented in complex manner, अगर आप अपने facts को complex manner में दिखाओगे, थोड़ा hodgepodge करके दिखाओगे, थोड़ा सा complex बना करके दिखाओगे, the managers may not reach the correct decision, तो managers को उसके कारण से दिक्कत हो सकती है, हो सकता है कि वो correct conclusion पे भी ना
पहुंच पाए, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आप फैक्चुअली आप दिखा रहे हो चीजें, वो सारी की सारी चीजें जो है करेक्ट हो और सिंपल मैनर में हो, ताकि बंदा पढ़ के समझ जाए तुरंत और उसके बेसिस पे वो डिसीजन ले सके, राइट। तो ये दो पॉइंट मैंने अभी आपको करा है, आगे चलते हैं, आगे और भी पॉइंट्स हैं, बट उससे पहले मैं सबको थोड़ा सा यू नो हाईलाइट कर लेता हूँ पॉइंट्स को। कंप्लीटनेस, ब्रेविटी, अपीयरेंस एंड रीडेबिलिटी, इसके अलावा है रिलायबिलिटी, इकोनॉमी, टाइमलेसनेस एंड लॉजिकल कंटेंट। सो दीज आर द 10 पॉइंट्स, दो हम लोगों ने अभी कर लिए हैं, ठीक है। हम कर रहे हैं एसेंशियल्स ऑफ अ गुड रिपोर्ट, एक्यूरेसी, सिंप्लिसिटी हमारी हो गई है। अब हम करने वाले हैं कंप्लीटनेस। तो एक रिपोर्ट कंप्लीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट में आपने आधी इंफॉर्मेशन डाली, आपने आधी नहीं डाली, इसके कारण से आपको भी दिक्कत हो जाएगी, आपकी कंपनी को भी दिक्कत हो जाएगी, जो कंपनी के ऊपर जो डिपेंडेंट लोग हैं, इन्वेस्टर हो गए, क्रेडिटर हो गए, उनको भी दिक्कत हो जाएगी, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डालनी है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं डालनी है। सो द रिपोर्ट शुड बी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, हर एक रिस्पेक्ट में आपका रिपोर्ट जो है पूरा जो है कंप्लीट होना चाहिए। देयर शुड बी नो रूम फॉर एम्बिग्युइटी, यहाँ पे किसी भी तरह का एम्बिग्युइटी का चांस यहाँ पे आपको नहीं छोड़ना। एम्बिग्युइटी का मतलब होता है कि डिस्टर्बेंस, मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो, यहाँ पे ये आधा है, यहाँ पे मतलब दोहराओ, है ना। जैसे वो कहता है ना, दोगलापन सही वर्ड नहीं होगा, हालांकि ये बहुत कॉमन हो गया है, मतलब बोलते हैं दो राय नहीं हो सकती है, तो यहाँ पे दो राय बन जाएगी लोगों की, कंप्लीट नहीं होगा इन्फॉर्मेशन, है ना। तो दो राय यहाँ पे बन जाती है, एम्बिग्युइटी, कंफ्यूजन हो जाता है एक दूसरे से कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं डाली है। तो यहाँ पे किसी भी तरह की एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए, आपको हर एक एस्पेक्ट का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको अपने रिपोर्ट में प्रोवाइड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इन द अबव केसेस, इफ द रिपोर्ट अबाउट एनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इज मिसिंग, मैनेजर विल नॉट बी एबल टू टेक अ फाइनल डिसीजन, है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया पहले वाले केस की तरह, कि अगर इन्फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं रहेगी रिपोर्ट में, अगर हर चीज के बारे में जानकारी ठीक तरीके से नहीं रहेगी, कोई जानकारी अगर मिसिंग होगी, तो मैनेजर जो है वो सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, राइट। मैंने कलर चेंज करना भूल गया, चलो भी ब्रेविटी देख लेते हैं। सो एग्जीक्यूटिव्स डू नॉट फाइंड सफिशिएंट टाइम टू रीड लेंथी प्रोडक्ट्स, जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो लेंथी जो रिपोर्ट्स हैं उसको वो पढ़ें, है ना। देयरफॉर द रिपोर्ट शुड बी ब्रीफली रिफ्लेक्ट इन द एसेंशियल पॉइंट्स। तो उस केस में आपको क्या करना है, अपने रिपोर्ट को यू नो बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से, एक तरीके से एसेंशियल पॉइंट्स के माध्यम से आपको दर्शाना है, ताकि जो बंदा सामने वाला पढ़ रहा है वो तुरंत आपके रिपोर्ट की जो जो कंक्लूजन है, जो उसका मीनिंग है, उसको वो तुरंत समझ सके, और उसके बेसिस पे अगर उसको डिसीजन लेने हैं तो वो ले सके। तो ब्रेविटी का मतलब होता है कि आपको लेंथी रिपोर्ट्स नहीं बनाने, थोड़ा छोटा बनाना है, ताकि जो एसेंशियल पॉइंट्स है उनके साथ बनाना है, ताकि सामने वाला बंदा को समझ में आ जाए, राइट। अपीयरेंस कैसा होगा आपके रिपोर्ट का, सो द अरेंजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मेट, लेआउट एंड मेकअप ऑफ द रिपोर्ट शुड बी प्लीजिंग एंड एज फार एज पॉसिबल आई कैचिंग। आपको अपना जो भी अरेंजमेंट आप कर रहे हो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो अपने रिपोर्ट्स को, यू नो जो फॉर्मेट आपने इस्तेमाल किया, जो लेआउट आपने इस्तेमाल किया, जो मेकअप इस्तेमाल कर रहे हो अपने रिपोर्ट में, वो सारी की सीरीज चीजें जो है बहुत ही ज्यादा यू नो अच्छी होनी चाहिए, आई कैचिंग होनी चाहिए, जिसको देख करके लगे कि भाई ये तो बहुत ही शानदार है, जिसको तो पढ़ना बनता है, है ना। तो इस तरह की फीलिंग जो है लोगों के मन में आनी चाहिए। आपको अपना अपीयरेंस जो है अपने प्रोडक्ट का, उसके ऊपर आपको काम करने की आवश्यकता है, उसको आपको बेहतरीन बनाना होता है। रीडेबिलिटी, तो रिपोर्ट्स पढ़ने में आसान होना चाहिए, इजी टू रीड होना चाहिए। आपने वहां पे सपोज ग्रामेटिकल कुछ आपने एरर कर दिया, कुछ आपने गलती कर दी, कुछ आपने वर्ड्स इतने टफ उसमें डाल दिए कि जिसके लिए डिक्शनरी का इस्तेमाल करना पड़े, तो वैसी रिपोर्ट्स भी आपको नहीं बनानी है। रिपोर्ट्स आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो, इजी टू रीड हो, वैसा रिपोर्ट आपको बनाना है। सो रिपोर्ट मस्ट बी इजी टू रीड, दे मस्ट अवॉइड टेक्निकल लैंग्वेज एज फार एज पॉसिबल। उनको जो है यहाँ पे टेक्निकल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कर सकते हो पर जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ पे टेक्निकल यू नो लैंग्वेज का इस्तेमाल मत करो, दिक्कत होती है। द राइटर मस्ट प्रेजेंट द फैक्ट्स थ्रू एलिगेंट एंड ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश, है ना। तो जो राइटर होता है उसको फैक्ट जो है सही तरीके से प्रेजेंट करने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, थ्रू एलिगेंट एंड ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश, है ना। आपको एलिगेंट और बहुत ही अच्छे तरीके से यू नो इंग्लिश वहाँ पे जो है शो अप करनी होती है, ठीक है, कि आपका रीडेबिलिटी जो है आपकी रिपोर्ट की अच्छी बने। अगला है रिलायबिलिटी, ठीक है ना। तो आपका जो रिपोर्ट है वो रिलायबल होना चाहिए, उसमें इन्फॉर्मेशन अगर सही नहीं होगी तो वो रिलायबल नहीं होगा। तो रिलायबल बनाने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन को सही डालना पड़ेगा, सही सही इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रिलायबिलिटी होनी चाहिए, प्रोडक्ट जो है एक रिपोर्ट जो है जितना ज्यादा रिलायबल होगा लोग उतना ज्यादा उस चीज के ऊपर भरोसा कर पाएंगे। सो रिपोर्ट्स रिपोर्ट शुड बी रिलायबल एंड शुड नॉट क्रिएट एनी यू नो एरोनस इंप्रेशन इन द माइंड्स ऑफ रीडर्स, ईदर ड्यू टू ओवरसाइट और नेगलेक्ट, है ना।
तो रिपोर्ट्स एक तरीके से रिलायबल होना चाहिए, जिसको पढ़ करके लोगों को उनका जो इंप्रेशन है वो एरनस ना बने, वो जो रीडर है उसके माइंड पे कुछ उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, उसको ऐसा ना लगे कि कुछ चीजें वहाँ पे नेगलेक्ट कर दी गई हैं, फिर ओवरसाइट कर दी गई हैं। तो वो चीजें आपको नहीं रखनी है, ठीक है। तो रिलायबिलिटी, आपका जो रिपोर्ट है वो रिलायबल लगना चाहिए। कुछ ऐसी चीज आपने मेंशन कर दी जो हो नहीं सकती है या काफी मुश्किल है उस चीज का होना, तो वो चीजें रिलायबल नहीं लगेंगी, वो चीजें ओरिजिनल नहीं लगेंगी, है ना। लगेगा जैसे कि आपने कुछ बना बनाया यहाँ पे, कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश की है। सो रिलायबिलिटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है इकोनॉमी। तो कॉस्टली काम होता है, ठीक है, रिपोर्ट तैयार करना एक कॉस्टली काम होता है, तो इसके लिए आप जितना सस्ते में आप तैयार कर पाओगे उतना बेहतर है ना। लोग ढूंढते हैं कि जितना सस्ते में हमें ये चीज की इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो इकोनॉमी के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। सो रिपोर्ट राइटिंग शुड नॉट बी कॉस्टली एक्सरसाइज। रिपोर्ट राइटिंग जो है वो बहुत ज्यादा महंगा एक्सरसाइज नहीं होना चाहिए। द मोस्ट इकोनॉमिकल मैथड एंड स्टैंडर्ड क्वालिटी मस्ट बी एम्प्लॉयड। एक बहुत ही अच्छा इकोनॉमिकल मैथड और स्टैंडर्ड क्वालिटी का यहाँ पे इस्तेमाल होना चाहिए, एम्प्लॉय उसको करना चाहिए वाइल कन्वेइंग द मैटर, जब मैटर को आगे की तरफ बढ़ाया जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक इकोनॉमिकल मेथड का इस्तेमाल करो, जहां पे खर्चे कम हो, काम भी अच्छा हो, इस तरह की चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है। टाइमलेसनेस, टू बी यूजफुल एंड पर्पोसिव, रिपोर्ट शुड रीच द रीडर्स वेल इन टाइम एंड वेल इन टाइम। एनी डिले इन द सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स मेक्स द प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट्स अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज, है ना। तो टाइम पे पहुंचना, ठीक है, जैसे कि बोलता है ना वो पंक्चुअल होना, टाइम पे रिपोर्ट को पहुंचाना, टाइम पे रिपोर्ट को सबमिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज कोई रिपोर्ट आपको आज चाहिए था, आप एक महीने बाद उस रिपोर्ट को अगर सबमिट करोगे तो क्या उसकी वैल्यू रहेगी? नहीं रहेगी ना। आज के टाइम पे उसकी जो वैल्यू है, अगले साल उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगले टाइम पे सिनेरियो चेंज हो जाएगा, मार्केट चेंज हो जाएगा, हर तरह का सिचुएशन चेंज हो जाएगा, राइट। तो टाइमलेसनेस के ऊपर आपको ध्यान देना है, रिपोर्ट को सही टाइम पे जमा करवाना है ना, टू बी यूजफुल एंड पर्पोसिव, राइट। अगर आपको अपने रिपोर्ट को यूजफुल बनाना है, उसको पर्पोसिव बनाना है, तो उस केस में आपको अपने रिपोर्ट्स को रीडर्स तक बहुत टाइम पे पहुंचाना होगा, टाइम से इवन पहले पहुंचाना होगा। अगर आप डिले करते हो अपने सबमिशन में रिपोर्ट्स के, तो उस कारण से जो है दिक्कत हो सकती है, और जो भी आपने प्रिपरेशन करी, मेहनत करी, वो पूरी तरह से फ्यूटाइल एक्सरसाइज हो जाएगा, पूरी तरह से बेकार हो जाएगा, राइट। कंटेंट अगला जो है वो लॉजिकल होना चाहिए। द कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ लॉजिकल मैनर। लॉजिकल मैनर में आपको दिखाना है द फैक्ट्स मस्ट बी रिपोर्टेड इन अनबायस्ड मैनर। जो भी फैक्ट आप वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी आप दिखा रहे हो, वो अनबायस्ड होना चाहिए, बायस्ड नहीं होना चाहिए। किसी एक चीज का बढ़ावा कर रहे हो, दूसरी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बायस्ड नहीं होना है, अनबायस्ड होकर के अपने काम को करना है। डिस्टिंक्टिव पॉइंट्स मस्ट बियर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग एंड सब हेडिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डिस्टिंक्टिव पॉइंट्स यहाँ पे आपको देने हैं, जहाँ पे आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग्स आप यहाँ पे दे सकते हो, सब हेडिंग्स दे सकते हो, जिसको पढ़ करके समझ में आ जाए कि भाई ये कारण से ये चीजें जो हो रही हैं। तो लॉजिकल कंटेंट, जो भी कंटेंट आप डाल रहे हो वो कंटेंट लॉजिकल होना चाहिए, सही होना चाहिए, कुछ भी डाल देने से नहीं होगा यहाँ पे, राइट। तो वो सारी चीजों के ऊपर आपको जो है ध्यान देना है। सो दीज आर द थ्री रिक्विजिट्स, नो दीज आर द रिक्विजिट, दीज आर द एसेंशियल्स ऑफ अ गुड रिपोर्ट, राइट। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, जहाँ पे मैंने रिपोर्ट के बारे में आपको बताया है कि एक रिपोर्ट के, अच्छे रिपोर्ट के क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।